हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांत एन सी आर टी सोल्यूशन क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ जहाँ पे हम एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स वन सिंगल प्लेटफॉर्म ये क्वेश्चन है आपकी क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर विच इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ़ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोपोज टू बी इन नेचर द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज फिफ्टीन पी बाय मास तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है और उस सैंपल ऑफ वाटर पर वो कंटेमिनेटेड है किससे क्लोरोफॉर्म से जो कि एक कार्सिनोजेनिक होता है एंड लेवल ऑफ कंटेमिनेशन आपको दिया हुआ है फिफ्टीन पी पी एम बाय मास पी पी एम का क्या मतलब होता है पी पी एम इस पार्ट्स पर मिलियन मिलियन में कितने जीरोज़ होते हैं टेन टू द पावर सिक्स जीरोज़ होते हैं तो इसके इसके हिसाब से इसका मतलब है कि अगर फिफ्टीन ग्राम ऑफ़ क्लोरोफॉम सी एच सी एल थ्री आपका प्रेजेंट है किस में टेन टू द पावर सिक्स ग्राम ऑफ वाटर में अगर मेरे पास 10 टू द पावर 6 ग्राम पानी है तो उसमें 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है क्यों क्योंकि ppm बाय मास दिया हुआ है अगर ये ppm बाय मास की जगह वॉल्यूम दे रखा होता आपको तो मैं यहाँ पे क्या लिखती कि 15 ml क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है आपका 10 टू द पावर 6 ml ऑफ वाटर में But, क्योंकि मास है तो हम मास की यूनिट यूज कर रहे हैं विच इज ग्राम्स ओके तो पंद्रह ग्राम क्लोरोफॉर्म हमारा द पावर सिक्स ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है पहली इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस इन पर्सन बाय मास तो पर्सन बाय मास में एक्सप्रेस करना है उसका क्या मतलब होता है कितना क्लोरोफॉर्म पूरे सल्यूशन में प्रेजेंट है तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मास ऑफ सल्यूशन होगा परसेंटेज ऑफ मास तो यहाँ लिख दूँ मास ऑफ क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री अपॉन टोटल मास ऑफ सल्यूशन टोटल मास ऑफ सल्यूशन इन टू हंड्रेड इन 100 क्यों क्योंकि क्यों, परसेंट क्यों, 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 निकाले परसेंट में हमेशा इनटू 100 करना होता है मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है 15 टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 10 टू द पावर 6 मुझे पता चल रहा है यहाँ से 10 टू द पावर 6 100 जब मैं ये करूँगी तो परसेंटेज ऑफ मास मेरे पास कितना आएगा 15 10 रे टू द पावर -4% ओके okay? पर इसको बेटर साइंटिफिक जैसे मेरा आंसर आया 1 फिफ्टीन सॉरी फिफ्टीन इंटू टेन पावर माइनस फोर परसेंट आया मेरा मास परसेंट बट टू राइट इट इन बेटर साइंटिफिक नोटेशन बेटर में क्या होता है हमेशा डेसिमल पॉइंट के पहले देर इज जस्ट वन सिंगल डिजिट तो आ इफ़ आई एज्यूम अ डेसिमल पॉइंट टू बी हियर तो मैं उसको मूव कर रही हूँ यहाँ पे तो क्या आएगा कौन सी साइड मूव किया मैंने लेफ्ट एंड वेन एवर वी मूव टू द लेफ्ट साइड तो एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेशियल की पावर इंक्रीज होती है बाय वन मतलब कि एक्सपोनेशियल की पावर इंक्रीज होती है ऑन द नंबर लाइन कितना इंक्रीज होएगी वन क्योंकि एक ही डेसिमल पॉइंट मूव किया है माइनस फोर से बड़ा नंबर क्या है माइनस थ्री वेरी गुड तो वन पॉइंट फाइव टू टेन पावर माइनस दो ये भी करेक्ट था पावर थार जो कि हमने यहाँ पे निकाला था विच इज करेक्ट बट टू राइट इट इन बेटर साइंटिफिक नोटेशन हम ऐसा साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं जिसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है विच इज अ

नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपन अपन मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी ये होता है मोलालिटी का फॉर्मूला ठीक है तो अब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पता चल गई सबसे पहला क्या है सल्यूट के मोल्स निकालने हैं और दूसरा सल्यूट के मोल्स निकालने हैं स्टेप वन स्टेप टू है हमारा मास ऑफ सोलवेंट इन के तो सल्यूट के मोल सल्यूट कौन सा है हमारे पास सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म इज सल्यूट ठीक है तो सी एच सी सॉरी रब इट सी एच सी एल थ्री माय पेन अगेन तो फिर हमारे पास सल्यूट है सी एच सी एल थ्री है ना तो सी एच सी एल थ्री में सी एच सी एल थ्री का मोलर मास निकाल लेती हूँ मोलर मास कैसे आएगा कार्बन का होता है टॉर्क मास ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन का होता है वन प्लस क्लोरीन का अटॉइ मास होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव पर कितनी क्लोरीन है तीन इससे मेरा मोलर मास क्लोरोफॉर्म का कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एंड नाइनटीन पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अब क्लोरोफॉर्म का मोलर मास भी आ गया और मुझे ये भी पता है कि पंद्रह ग्राम क्लोरोफॉम है मेरे पास तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल सकती हूँ बहुत ही आसानी से निकाल सकती हूँ तो स्टेप वन हमें मोलालिटी के लिए क्या निकालना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉम है ना तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एच सी एल थ्री जिसके लिए मुझे गिवन मास अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा गिवन मास था मेरे पास पंद्रह ग्राम फिफ्टीन पी पी एम था ना फिफ्टीन पी पी एम क्लोराफॉम तो पंद्रह ग्राम था और मोलर मास मैंने अभी निकाला था हंड्रेड एंड पॉइंट फाइव जिससे मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं पॉइंट वन टू फाइव फाइव मोल्स ईजी इजी पीजी मोल्स आ गए अब स्टेप टू अब हमें मोलालिटी निकालने के लिए सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स में बजा चुके हैं अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है किलोग्राम में ठीक है मास ऑफ सॉल्वेंट अब मुझे ये पता है कि सल्यूशन कैसे बनता है सल्यूशन बनता है सल्यूट सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से है ना? पर अब मुझे केवल सॉल्वेंट का मास निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ सल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करके है ना अब का मास मुझे पता है क्या था सोल्यूशन का मास टेन टू द पावर ग्राम ऑफ था तो दावर का मास मुझे पता है टू द पावर माइनस सॉल्वेंट सॉल्वेंट था हमारा कौन सा क्लोरोफॉर्म तो क्लोरोफॉर्म कितना प्रेजेंट है यहाँ पे फिफ्टीन ग्राम तो माइनस फिफ्टीन कर दू एक्जैक्टली hmm. exactly वो करूँगी माइनस फिफ्टीन अब मेरा आंसर क्या आएगा तो सॉल्वेंट आ गया हमारा सॉल्वेंट आ गया हमारा और इन सब की इन सब की यूनिट थी ग्राम्स ये भी था ग्राम्स में तो 10 टू द पावर सिक्स माइनस 15 ग्राम करूंगी तो मेरा आएगा 4985 ग्राम्स पर मुझे सॉल्वेंट का मास की जी में चाहिए तो अपॉन थाउजेंड कर दूंगी वेरी इजी तो मेरा आंसर आएगा ट्रिपल 9.985 की जी अब मेरे पास सॉल्वेंट का मास भी आ गया अब मैं निकाल सकती हूँ मोलालिटी तो मोलालिटी क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी मोल्स मेरे कितने आए थे मोल्स आए थे पॉइंट वन टू फाइव फाइव और मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी है ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन एट फाइव जिससे मेरी मोलैलिटी आ जाती है वन पॉइंट टू फाइव